LFP पॉडकास्ट एक कहानी अजीब जही। अम्मा ते गिन्नी सिर्फ दो दिन की छुट्टियां ली, उन्होंने इन्ने कपड़े पैक कर ले सी कि जिमें वो 10 दिनों की छुट्टियां ते चले होंदे आ। दोनों के विआह नू 4 महीने हो गए सी, पर घर के कम्मां कार च इन्ने बिजी सी कि किते घूमन ही नहीं जा सके, टाइम घट सी। इसलिए पम्मे ने सोचा चलो शिमला ही चले जाने। अज फगवाड़े विच कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक सी, पर जदों गड्डी हाईवे ते आई तां पम्मे ने जो लंब कढ़े कि गड्डी हवा नाल गल्लां करन लाती। गड्डी च हीटर होण करके बाहर दी ठंड दोनों नूं महसूस नहीं हो रही सी। सो ते चल रही गड्डी अचानक हौली हो जाती है। पम्मे दे रेस दे नाल भी गड्डी हौली ही हो रही सी अते एक थां ते आ के गड्डी बंद पै जांदी है। गड्डी दा दरवाजा खोल के पम्मे ने बाहर कदम रख्या। उन्हूं बाहर पै रही ठंड दा अहसास होया। हाईवे ते गड्डी खराब होण करके गिन्नी थोड़ा टेंशन दे विच आ जांदी आ। पम्मे ने कहा तू टेंशन ना लै, मैं हुणे ठीक कर दूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेड आ। गड्डी का इंजन गर्म हो रख्या सी, उहदे विचों निकलदा धुआं अते रात का हनेरा हाईवे की सुनसान जिही सड़क ते खौफ पैदा कर रहा सीगा। पम्मे ने पानी की बोतल कढ़न लई गड्डी की टिक्की खोली। उस टाइम गड्डी का होरन वज्जिया। सोचण वाली गल ये सी कि पम्मा ते गिन्नी दोनों ही गड्डी दे बाहर खड़े सी, फिर होरन किने वजाया, गड्डी खराब हो गई सी। इसलिए दोनों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिता। पम्मे ने कार्बोरेटर च पानी पाया ते 10 मिनट बाद गड्डी स्टार्ट की। गड्डी स्टार्ट भी हो गई, नाले ही शीशे ते किसी ने नोक करया। पम्मे ने शीशा नीचे करया तां बाहर एक कुड़ी खड़ी सी, कहती परमवीर मेरे पीछे 2-3 बदमाश पे है परमवीर, मैंने थोड़ा अगे तक लिफ्ट दे दो, भावे रास्ते कितने भी छड़ दियो मैनू। पम्मा ते उहदी वाइफ ने उन्हूं लिफ्ट दे दित्ती। 5 मिनट की ड्राइव ते गिन्नी दा माइंड च एक सवाल आया कि अनजाण रास्ते ते एक अनजाण कुड़ी नूं उहदे पति दा नां किवें पता। LFP पॉडकास्ट एक कहानी अजीब जही। डरी हुई गिन्नी ने जिवें ही पिछे मुड़ के देखिया तां उहनूं अपनी अखां ते विश्वास ही नहीं होया। थोड़ी देर पहला उन्होंने जड़ी कुड़ी नूं लिफ्ट दित्ती सी, वो पिछली सीट ते है ही नहीं सी। गिन्नी ने पम्मे नूं गड्डी रोकन लई कहा तां अचानक एक आवाज़ आई, गड्डी ना रोकियो नहीं तो बहुत माड़ा होएगा। ये आवाज़ दोनों ने सुनी। गिन्नी इन्ना डर चुकी सी कि उन्हें बार बार बोल बोल के पम्मे ते प्रेशर क्रिएट कर दिता ते पम्मे नूं गड्डी रोकन लई मजबूर करता। जिवें ही गड्डी रुकी एक आवाज़ फिर उहदे कान च पई, क्या सी ना गड्डी ना रोकियो, गड्डी रोके चंगा नहीं कीता। पम्मा ते गिन्नी एक दूजे दे मुंह वल देख रहे सी क्योंकि दोनों नूं कुछ समझ नहीं आ रहा सी कि पिछले 10 मिनटां च जो होया वह सच सी या उन्हां दा एक वहम। काफ़ी सवाल लैके पम्मा गड्डी च हड़बड़ा के उतरिया ते नालों नाल गिन्नी भी उतर गई। गड्डी चो उतर के उन्होंने जो नज़ारा देखा तो उन्होंने दोनों नूं अपनी अखां दे यकीन नहीं होया। ये उही जगह सी जिथे 15 मिनट पहला उन्होंने उस कुड़ी नूं लिफ्ट दित्ती सी। इहदा मतलब वह 15 मिनट च जो भी होया वह सब इत्थे ही होया। गड्डी 80-90 की स्पीड ते होण तो बाद भी एक इंच भी नहीं तुरी। पम्मा ते गिन्नी इस तो पहला कुछ कहंदे वह फिर शॉक्ड हो गए। एक हैवी ट्रक जोर नाल होरन मार के उन्हां दे कोलों निकलिया। ट्रक दे होरन ने दोनों का जिवें कोई माड़ा सुपना तोड़ दिता से। दोने गड्डी च बैठे ते अपने घर वल तुर पे। संडे दी ओह रात बहुत लंबी जिही लगी पम्मे ते गिन्नी नूं क्योंकि शाम तो ही बत्ती गई हुई सी। दोने अपने कमरे च सुते पए सी कि अचानक एक आवाज़ आई। गिन्नी ने टोर्च जला के देखिया ते रात दे वॉश किते हुए सारे भांडे फ्लोर ते खिल रहे हुए सी। जिवें ही गिन्नी भांडे चुकन लई नीचे बैठती है तां किसी ने उहदे मोढे ते हथ रख्या। जदों उहने पिछे मुड़ के देखिया तां पिछे कोई भी नहीं सी। अपने ही घर च उहनूं एक अजीब जिहा डर लगन लग गया। उह हौली हौली दब्बे पैरी अपने रूम वल जाण लगी। अचानक ही लाइट जली ते फिर बंद हो गई। शायद शाम दी गई हुई लाइट एक सेकंड लई आके चली गई, पर पहला तो डरी हुई गिन्नी लई लाइट दा इक्को दम आके फिर जाना उहदे डर नूं होर वधा गया। उहने टोर्च बंद करके सौण दी कोशिश कीती।
दस पंद्रह मिनट बाद उन्हें नींद भी आ गई। फिर एक दम वो चीख मार के उठी। नींद खुलन का कारण सी कि उसके शरीर से एक अजीब जे दबाव महसूस हो रहा सी। जदों उन्हें अखा खोल के देखा तो छत ते कोई उल्टा लटकया होया सी ते उन्हें घूर रहा सी। खुले बाल, चेहरे ते एक डरावनी जी स्माइल। क्या सी ना, गड्डी ना रोकियो। LFB पॉडकास्ट एक कहानी अजीब जही। गिन्नी नूं ओह कुड़ी पूरे घर विच दिखन लग गई, इस लई उन्होंने तंग हो के ओह घर ही चेंज कर लिया। अते घर चेंज हुंदे ही सब कुछ ठीक भी हो गया। इस गल नूं तकरीबन 3 साल हो गए सी अते उन्होंने एक छोटी जी बेबी गर्ल भी हो गई सी। एक दिन पम्मा सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट करन लगा। गिन्नी ने आके कहा, क्या बात है, अज ते खाना भी रेडी है ते तुसी भी, मेनू तो कुछ करना ही नहीं पिया। पम्मी ने कहा, अच्छा जे ये सब तू नहीं किता ते फिर उस गड्डी वाली पूतनी ने आके किता। इस तो पहला गिन्नी कोई रिएक्ट कर दी, कमरे विचों बेबी दी रोन दी आवाज आई। जो पम्मी ने देखा तो न्याणा बैड ते पिया सी। पम्मी ने गुस्से विच गिन्नी नूं आवाज लाई ते कहा, यार तू इहनूं बैड ते सुला के आ गई, जे इह डिग जांदी फिर तैनूं जमा ध्यान नहीं इहदा। गिन्नी कहिंदी, पर मैं तां इहनूं पालने च सुला के आई सी। तां पम्मी ने गुस्से च कहा, फिर बैड ते इहनूं उह भूतनी सुला के गई। कुछ टाइम बाद गल उरे परे हो गई। गिन्नी रात नूं गुड़िया नूं सुवाण लई पालने नूं झूटा दे रही सी ते अचानक ही हनेरे विच कोई उस पालने नूं अपने वल खिंचण लग गया। गिन्नी ने जदों देखिया तां उहनूं कुछ भी नहीं दिसिया, पर उहदे दूजे पासे मोढे ते कोई सांह छड रहा सी। पलट के देखिया तां उही चेहरा। क्या सी ना, गड्डी ना रोकी। मैं एवी लखेवाल ते एसी LFP पॉडकास्ट एक कहानी अजीब जही।